हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्या करेंगे, तो आज हम लोग डायबिटीज के बारे में पढ़ेंगे, मधुमेह जिसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। डायबिटीज है, इसे शुगर या चीनिया के नाम से जाना जाता है, चीनिया बीमारी कहते हैं, है ना। तो ये आखिर है क्या, कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। मधुमेह क्या है तो हम जान ले सबसे पहले कि हमारे पाचन तंत्र में एक रचना है, एक ग्रंथि है जिसको अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशय जो है वो बाह्य और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों के नाम से जाना जाता है, है ना। बाह्यस्रावी भी है और क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। इसका अर्थ क्या हुआ, तो ये जो अग्नाशय है इसके बीच वाला हिस्सा को लैंगरहैंस दीपिका कहते हैं। बीच वाला का नाम क्या है, लैंगरहैंस दीपिका, है ना। तो इस क्षेत्र से, और ये किनारे वाला जो हो गया, इस क्षेत्र से जो है वो एंजाइम का स्राव होता है। यहां से निकलने वाले एंजाइम जो है वो पाचन में मदद करते हैं। और ये लैंगरहैंस दीपिका में है तो तीन सेल, अल्फा, बीटा और क्या, डेल्टा, तीन सेल होते हैं। तो अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। अल्फा सेल से जो है आपका एक हार्मोन ग्लूकागोन का स्राव होता है ना। यहां से हार्मोन निकल रहा है, अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन का स्राव करती है ना। नलिका विहीन होती है, इसके स्राव जो है डायरेक्ट रक्त में मिल जाते हैं। और बीटा सेल से जो है वो इंसुलिन का स्राव होता है, ठीक है, और इससे सोमैटोस्टैटिन का स्राव होता है। तो सबसे पहले स्टैटिन है का स्राव होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो इंसुलिन है वो करता क्या है। जैसे आप जो है खाना खाएं तो आपके रक्त में ग्लूकोज का लेवल होना चाहिए। ग्लूकोज का लेवल आपके रक्त में क्यों होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए क्योंकि सारे अंग को ऊर्जा चाहिए, है ना। और सारे अंग जो है कोशिका से बने हुए हैं, तो कोशिका के अंदर कोशिकीय श्वसन संपन्न होता है। और कोशिकीय श्वसन संपन्न होने के बाद जो है वो ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट जाता है, और टूटने के बाद क्या करता है, तो ये निर्माण करता है किसका, एटीपी का, ऊर्जा अणु एटीपी। और इसी एटीपी को सारे कोशिकांग ग्रहण करते हैं, जिससे उनको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है और वो काम करते हैं। हम जानते हैं कि एटीपी भी आगे जो है वो टूट जाता है किसमें, एडीपी और पी में, है ना। और यहां से जो इलेक्ट्रॉन मिलता है वही इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा का स्रोत होता है। तो आपके ब्लड में ग्लूकोज का एक नॉर्मल सामान्य वैल्यू होना चाहिए। अगर आप मां खाना नहीं खाए हैं, फास्टिंग के कंडीशन में है, तो उस कंडीशन में आपके रक्त में ग्लूकोज का लेवल जो है वो 70 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, है ना। अगर इतना है तब तो ठीक है। और फिर अगर आपने खाना खा लिया है पोस्ट प्रोटेंडस, खाना खाने के बाद, तो आपके अंदर जो है 110 से 180 के अंदर इसका होना चाहिए। मिलीग्राम पर डेसीलीटर का मतलब हुआ कि 100 ml ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो 70 से 110 होना चाहिए। मान ले कि आपने फास्टिंग और पीपी में, ये मान ले कि आप गए कहीं एक भोज शादी विवाह की पार्टी में, है ना, समारोह में गए हैं, तो वहां पर जो है आपने कुछ ज्यादा ही मीठा खा लिया है, जिससे आपका ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है, सारा तो ग्लूकोज जाएगा आपका ब्लड में, है ना, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है 600 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो गया है। तो ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज ब्लड में नहीं रहना, इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को चेंज करना है। तो ये जो आपका 110 होना चाहिए पीपी खाना खाने के बाद, या 110 से 180 के बीच में, तो एक जो एक्स्ट्रा आपका हो गया है, इतना हो गया है, इसको वापस चेंज करने के लिए आपका निकलता है यहां से पैंक्रियाज से इंसुलिन निकलता है ना। बीटा सेल से इंसुलिन का सिक्रीशन होता है। और इसका काम क्या है, तो ये क्या करता है कि आपके इस ग्लूकोज को, एक्स्ट्रा ग्लूकोज, ये बदल देता है किसमें, तो ये इसको बदल देता है ग्लाइकोजेन, ठीक है, ग्लाइकोजेन में बदल देता है। अब फिर जाकर के ये आपके यकृत में या आपकी मांसपेशियों में जाकर के ये क्या होता है, जमा हो जाता है ना। ग्लाइकोजेन जो है वो आपका जमा हो गया कहां, यकृत या उसके मांसपेशियों में, आपके मांसपेशियों में जाकर के ये जमा हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए तो ये एक्स्ट्रा आपका कन्वर्ट हो गया इसके द्वारा,
तो आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, संतुलित हो गया। यानी आप कह सकते हैं हमारे शरीर में लगातार इंसुलिन का स्राव इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारा ब्लड का ग्लूकोज का लेवल जो है वो सामान्य बना रहे, एक्स्ट्रा ग्लूकोज डायरेक्ट बदल करके है ना ग्लाइकोजन में संचित भोजन के रूप में हमारे मांसपेशियों में हमारे यकृत में जाकर के जमा हो जाए। लेकिन कंडीशन ये है कि मान लेते हैं आपका किसी वजह से, या हो सकता है एज बढ़ा है ना और आपकी इम्यूनिटी ने आपके एंटीबॉडी ने आपके इस अग्राशय के ऊपर काम करना शुरू कर दिया और जिस वजह से बीटा सेल जो है कार्यविहीन हो गया और उसने इंसुलिन का स्राव क्या कर दिया, रोक दिया। अब अगर इंसुलिन का स्राव रुक जाएगा तो अगर आपके इस कंडीशन से आप गुजरेंगे है ना, यहां से चल करके यहां तक आप गुजरेंगे तो क्या होगा, एक्स्ट्रा ग्लूकोज का तो कन्वर्सन होगा नहीं है ना, तो ये अब आपका जो है सीधे पहुंच जाएगा कहां, तो रक्त में पहुंच ले है ना, रक्त जो है आपका शुद्ध होने के लिए फिल्टर होने के लिए पहुंचता कहां है, वृक्क के पास। वृक्क क्या करेगा, उसको फिल्टर करेगा। वृक्क को तो आदत नहीं है इतना एक्स्ट्रा ग्लूकोज देखने का, तो वो इसको फिल्टर करता ही नहीं है ना, और सारा जो है वो आपका आ जाता है कहां, यूरिन में, मूत्र में आने लगता है ना। आप मान लीजिए आपका वृक्क जो है उसको यूरिन ये ग्लूकोज का फिल्टर करने का जरूरत नहीं था, अब इतना ना हार्ड सबस्टांस आप उसको दे दिए हैं कि धीरे धीरे आपका वृक्क जो है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा है ना। तो सबसे पहले जब आपका इंसुलिन काम करना बंद कर दिया शरीर में, तब वही कंडीशन जो है आपका क्या कहलाएगा, मधुमेह कहलाएगा, डायबिटीज कहलाएगा, या चिनिया बीमारी, आपको जो कहना है, शुगर कहना है, जो कहना है उस नाम से ये जाना जाएगा है ना। अब इसके जानने के बाद क्या होगा कि आपका ये तो गया है ना, ये तो चला जाएगा क्योंकि इसको आदत नहीं है इसकी, धीरे धीरे करके किडनी भी फेल हो सकता है ना। अब लगातार ब्लड में आपका रक्त में जो है ग्लूकोज का लेवल इतना हो गया, तो हम आपका ब्लड का रक्त का सांद्रण भी क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा उच्च हो जाएगा। यानी कि ये दावत देगा फिर किसको, तो बीपी को है ना। ब्लड प्रेशर भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, काफी धीरे धीरे करके बढ़ने लगेगा है ना। तो ये आपका मधुमेह है, कारण देखे हम लोग। अब बचा बेचारा ये, तो इसका भी काम देख करके हम लोग चलते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर आदमी स्टार्वेशन के कंडीशन में है या उसको ग्लूकोज का सप्लाई बाहर से नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हमारे शरीर को हर सेकंड क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए ही चाहिए। तो इस कंडीशन में ये ग्लाइकोजन जो है, ग्लूकागोन जो है, वो आपके यकृत और मांसपेशी पर काम करेगा, ग्लूकागोन निकलेगा है ना, निकल करके काम करेगा किस पर, आपके ग्लाइकोजन पर जो यकृत और मांसपेशी में जमा है, और इस ग्लाइकोजन को वापस ये ग्लूकोज बदल देता है, जिससे आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बना रहे, क्योंकि सारे अंगों को कार्य करने के लिए आपके शरीर में ग्लूकोज का होना अति आवश्यक है ना। तो इस तरह से हम लोग चिनिया बीमारी को समझे। बाकी आप जानते हैं इस बीमारी में करना क्या है, सामान्य स्थिति में आप ग्लूकोज का सेवन कम करें, जिससे कि आपका रक्त में ग्लूकोज का लेवल सामान्य बना रहे, या फिर दूसरी कंडीशन है कि आप इंसुलिन का सुई ले सकते हैं है ना, या फिर क्या कर सकते हैं, इंसुलिन का सुई ले सकते हैं है ना। अब हमारे पास क्या है, इंसुलिन बना बनाया मिलता है ना, जिसको ह्यूमिलिन के नाम से हम लोग जानते हैं। ये इंसुलिन जो है वो हम लोगों ने इसको बाहर ही बनाया, बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से बनाया है ना, दो ठो चेन ए बी चेन को जोड़ा है ना डाइसल्फाइड बॉन्ड से, तो हमारा ह्यूमिलिन बना था। और इस ह्यूमिलिन का प्रयोग जो है दिया जाता है, उन रोगियों को किया जाता है जिनमें ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है। तो ये हम लोग आज समझे इसके बारे में। धन्यवाद, हमारे चैनल से बने रहें, लगातार नए वीडियो का आनंद लें।